جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. साहब ने अपनी बीएससी एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से की और उसके बाद उन्होंने अपनी फील्ड स्विच की फॉरेंसिक साइंसेस में, उन्होंने स्पेशलाइजेशन की यूएसए से। उनके करियर का आगाज 1976 में यंगस्टर्स पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम लेबोरेटरी यूएसए से हुआ, जहाँ पर वो बेन साइंटिस्ट से लेके अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट तक है। बहुत मेहनती इंसान थे वो। उसके फौरन बाद उन्होंने ज्वाइन की फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड टेक्निकल मैनेजर के तौर पर मैरीन कंट्री, और 15 ईयर्स वहाँ पर रही। वहाँ से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट फॉरेंसिक डीएनए टेस्टिंग लेबॉरेटरी बनाई, जिसका नाम रखा गया स्ट्रैंड एनालिटिकल लैब। उसमें सक्सेस के बाद उन्होंने ज्वाइन किया सायहोगो कंट्री फॉरेंसिक साइंस लेबॉरटरीज को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और 2011 तक वहाँ पर रहे। वो सर्टिफाइड असेसर थे फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्राइम लेबॉरटरी डायरेक्टर्स। वो मेम्बर रहे बहुत सारी फॉरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो अपॉइंटेड रहे फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में डायरेक्टर्स डीएनए एडवाइजरी बोर्ड। उन्होंने सर्व किया एज ए मेंबर ऑफ साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप फॉर डीएनए एनालिसिस एफबीआई फ्रॉम 1990 to 2004। फेलो थे अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस के, और मेंबर रहे मेंबर एडिटोरियल बोर्ड भी रहे। उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, डिप्टी डायरेक्टर मेरिट्स अवार्ड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ इलिनॉइस, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अवार्ड फ्रॉम मिडवेस्टर्न एसोसिएशन ऑफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट। पाकिस्तान में उनकी कंट्रीब्यूशन पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट फॉरेंसिक साइंस लेबॉरटरी है, एशिया की बेहतरीन और दुनिया की दूसरी बेहतरीन लेबॉरटरी है। उसका ख्याल उनको सोचा, उसको बनाया और उसको एक बेहतरीन लेबॉरटरी के तौर पर आज पूरी दुनिया में माना जाता है, कि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में फॉरेंसिक के फील्ड में। हमारे वो उस्ताद थे, हमारे उस्तादों के वो उस्ताद थे। यहाँ पर उनकी कंट्रीब्यूशन CEMBA और CEMBA के लिए एडजुन फैकल्टी मेंबर थे। हमारे फॉरेंसिक साइंटिस्ट को उन्होंने ट्रेन किया, यहाँ पर फॉरेंसिक लेबॉरटरी को इस्टेब्लिश करने में उनका रोल था। आठ फॉरेंसिक साइंटिस्ट जब CEMBA इकट्ठा होता था तो यूएसए गए थे, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए थे, उसके बाद यहाँ पे लैब स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा वो जब भी पाकिस्तान आए, उन्होंने बहुत सी फॉरेंसिक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अरेंज करवाई फॉर द अवेयरनेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो पुलिस भी थी इंक्लूडेड थे, पुलिस डिपार्टमेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स, लॉयर्स, जजेस, मेडिकोलॉजिकल डॉक्टर्स और बहुत सारे दूसरे लोग। PFSC की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, उनके कोलीग्स यहाँ से हैं, उम्मीद करते हैं कि वो उनकी यादें आपसे शेयर करेंगे। आप सबको यहाँ बाकायदा तौर पर खुशामदीद कहने के लिए अपने बहुत ही मोहतरम डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मौजूर रहमान से रिक्वेस्ट करूँ कि स्टेज पर आएँ और वो अपनी वेलकम स्पीच दें। प्रोफेसर डॉक्टर मौजूर रहमान। हेली के डॉक्टर साहब हार्ट अटैक की वजह से इलाज से फौत हो गए हैं अमेरिका में, और फिर गायबाना नमाज जनाजा भी पंजाब फॉरेंसिक जो साइंस एजेंसी है उसको इनका किया गया उनकी वफात के बाद जो मंडे था। तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों और मुझे वहाँ से भी जाहिर है एक मेरी अपनी उनके साथ जो एसोसिएशन डेवलप हुई। तो बेसिकली एक लेक्चर था ऑनलाइन अमेरिका में, वो एक महीना पहले दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बड़ा पाकिस्तान में जो PFSA है उसको कवर किया, इंटरनेशनली कवर किया। दैट वाज वन एंड हाफ आवर लेक्चर, ऑनलाइन था। तो उनको देख के माइक चेक कर लें, उनकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रही स्टार्ट में। तो इट वाज आई थॉट असेंशियल कि हम उनको अक्नॉलेज करें, उनकी साइंटिफिक एज वेल एज जो उनके ह्यूमन इंटरेक्शन था लोगों के साथ। फिर मैंने वीसी साहब से बात की, तो वीसी साहब ने कहा कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। फिर हमने आज का ये सारा इनेकाद किया। तो इसमें बहुत सारे जो कोलीग्स हमारे पहले से जहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं, और शेख साहब से भी कल बात हुई वो भी, तो बेसिकली उनके लिए दुआए मगफरत के साथ साथ उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे, जो उनकी एक पर्सनैलिटी थी उसको ट्राइब्यूट पेश करने के लिए आज की ये जमा होने का मकसद है ना। तो बहुत सारे मेरे जो यहाँ सीनियर कॉलीग बैठे हुए हैं, उनकी एसोसिएशन वन टू वन उनके साथ रही है।
तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी एसोसिएशन और उनकी लाइफ के जो ऐसे पहलू थे जो हमें नहीं पता है तो उन पे रोशनी डालें, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है वो हमारे जो पीयर्स और लीडर थे और साइंस में जिन्होंने रियली इस दुनिया इस पाकिस्तान में भी कंट्रीब्यूट किया और इंटरनेशनली भी कंट्रीब्यूट किया, ताकि उनकी यादें हमारे साथ वाबस्ता रहें। थैंक यू वेरी मच। बिफोर आई स्टार्ट मैं चाहता हूँ अभी हम एक हिस्ट्री में जो पहला बैच एफएससी में होता है फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन लिया तो वहाँ रोल नंबर थोड़े से कद के मुताबिक होते थे, तो मुझे जो एलोकेट किया गया वो 191 था, इसका 228 था, इन अदर वर्ड ये मेरे कद में मुझसे ज़्यादा था एट दैट टाइम। आपको पता है मैट्रिक के बाद फिर कद बढ़ते हैं, तो मैट्रिक के फौरन बाद वहाँ पर एफएससी में एडमिशन लिया। वी डिड एफएससी टुगेदर और इकट्ठे बहुत ज़्यादा दोस्ती रही हमारी डे वन से लेके आखिर तक। फॉर द लास्ट 58 ईयर्स वी हैव बीन फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड, जिसको कह सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स। तो मेरे साथ खासा रहा इनका नोट्स की एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई बातें हो रही हैं, कोई शरारतें हो रही हैं, समथिंग मैं अगर ऐसी बातें करनी शुरू कर दूँ तो पर है मेरा ख्याल है कि वो वक्त इतना लंबा चला जाएगा इसके लिए। तो एफ एस सी हमने इकट्ठे की, बी एस सी इकट्ठे हमने की, एम एस सी में बी एस में इसने मेजर फूड साइंस किया, जबकि मैंने प्लांट ब्रीडिंग इंजीनियरिंग में था, मेरा शौक उधर था। तो फिर ये एम एस सी फूड टेक्नोलॉजी में से की। एंड मीन टाइम इनके भाई डॉक्टर सर्वर इंग्लैंड में थे, उन्होंने इसको कॉल किया कि यू कम बैक ओवर देयर, तो वहाँ से आपने बाकी करी, तो उनकी वजह से स्विच किया अपनी फ्रेंसिक। अगेन ही टुक क्लासेस और पी एच डी इन फ्रेंसिक साइंस वहाँ से इन्होंने की। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंग्लैंड के बाद फिर ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए, जो वहाँ से चले गए और वहाँ पर मस्तिष्क लैब में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। When I was doing my PhD in United States of America, at that time I visited him, जो शिकागो में लैब भी थे ये बैठा, तो मैं आई ड्रोव ऑल द वे, जो आती हैं छुट्टियाँ थोड़ी थोड़ी सीजन में आती हैं तो वो उसके लिए मैं आई ड्रोव ऑल द वे राइट फ्रॉम डकोटा अप टू शिकागो। मैं शिकागो में गया तो मैंने कहा बात सुनो, मैं तो यहाँ आ गया हूँ तो ये केस 4-5 निकालो, इस पर डिस्कस करेंगे। The most important case at that time was Mike Tyson rape with a black beauty pageant Flora ke saath jo tha, us par dekha ke kya hua hai kya nahi hua, I don't want to go into detail, aur phir maine kaha ke you need not to publish that paper within Pakistan, ye kaale tumhe chhodenge nahi, isliye behtar hai ki ye publication karni hai to Lahore mein kare, and meantime wo Science International Lahore mein ye publication maujood hai, physical evidence in Mike Tyson race जो माइक टायसन की रेप केस था, तो आपको मिल जाएगा साइंस इंटरनेशनल लाहौर जो पब्लिश होता है मुस्लिम टाउन से, वहाँ से आप देख सकते हैं, मेरे पास भी कॉपीज हैं। एनी हाउ तो वो हमने पब्लिश किया इन ऑर्डर टू अवॉइड हिम के वहाँ पर इसकी टसल ना चले, जो हो सकते हैं कि वो ब्लैक अगेंस्ट हो जाएंगे समथिंग लाइक दैट। तो वो उसके बाद हमारी मुलाकात रही। मीन टाइम मैं पी एच डी करके वापस आ गया कि मैं आई वॉन्ट टू गो बैक टू बी विद माई फैमिली एंड टू सर्व द कंट्री, मैं वापस आ गया था। तो इसमें एक थी कि चीज़ जब भी ये वहाँ से निकलता था USA, चाहे वो इंडिया की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान, एट दैट टाइम ही वॉज ऑल्सो विजिटिंग इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, तो उनकी कोशिश थी कि ये वहाँ पर इंडिया में ये अपनी फ्रेंसिक लैब को इस्टेब्लिश करे। तो फिर मैंने इसे कहा कि यार तुम इंडिया में जाते हो, कम से कम ये करनी है तो पाकिस्तान में करो, डोंट गो ओवर देयर, दे आर ऑलरेडी अपने उनके पास इतनी मैन पावर है, दे कैन डू इट, डोंट डू इट, वैसे चले जाओ, मैं एक दो केसेस हैं उनके, ले जाओ सैंपल लेने, कैन डू इट, अदरवाइज आई थिंक आई टोटली डिसएग्री कि उनको तुम करो। तो इसने ये बात मेरी बात मिली कि ठीक है ये यहाँ पर हम पाकिस्तान में ही करेंगे और रहेंगे। अब पाकिस्तान में जो हालात चलते रहे थे जिस तरह भी हुआ, फाइनली आई थिंक वी हैव बीन सक्सेसफुल इन हैविंग ए मीटिंग, इनकी शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग करवाई जाए। मेजर रोल बाद हमारा फ्रेंड था ब्रिगेडियर असलम गुमन ने, जिसने काम किया, वो भी हमारे क्लासमेट राइट फ्रॉम FSC BSMS करते थे हम, तो वो somehow तो क्लिक कर गया ये कि हमने लैब यहाँ एक बननी चाहिए, एग्जैक्टली वही बात है।
अब लैब जब नहीं है तो डेफिनेटली एक जगह दे दी उसके लिए कि ये है, इन मीन टाइम ये वापस चला गया। तो मुझे कहता है इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर फिरोज साहब थे, आई स्टिल रिमेम्बर हिज नेम देयर। तो मैंने कहा फिरोज बात सुनो, अगर तुम्हें कोई बात होना तो मेरे पास आ जाना, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तुम्हें कनेक्ट कर लेंगे, यू कैन डिस्कस राइट देयर, उनके साथ जो भी डिस्कशन करनी है वो कर लो, रदर देन टेलीफोन पर ना। मैं 2002 में सिलेक्ट हो गया था इन ऑर्डर टू इनिशिएट न्यू यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। सो बीइंग वर्किंग एज ए प्रोफेसर ओवर देयर एंड आल्सो होल्डिंग अ चार्ज ऑफ डायरेक्टर एडवांस्ड स्टडीज, सो आई लेफ्ट फैसलाबाद, रीजन बीइंग लाहौर इज माई होम टाउन, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। मैं वापस आ गया, इसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी को लाहौर में थी तो इसको एस्टेब्लिश किया, हम द पायनियर इन टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, right from writing charter and rule regulation everything and then establishment of the campuses, ye sare mere zimme the. To senior position par work kiya alhamdulillah, to wo sari humne karne ke baad isko bhi establish kiya, aur maine ek baat ki thi ki main gareeb aadmi ke bacche ko padhana chahta hu, I don't want to put ki main iski fee itni high karun, to maine us waqt maine jo fee calculate ki ki jo feasible ho sakti hai wo 269 rupees banti thi hamari per semester ki fee, तो 269 पर अभी तक जब इनॉग्रेट हो रहा था, मुशरफ साहब मेरे साथ थे, माशाल्लाह स्पेयर पास बना हुआ था, मैंने आदमी वाला नहीं था और पिस्टल भी रखा हुआ था, तो इनॉग्रेट कर रहे थे, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब फीस क्या रखी है, मैंने कहा 269, और यार ये बाटा का रेट है। तो इन अदर वर्ड आई सेड ओके आप इस तरह करें 265 कर लें, कहते वेरी गुड आपने 270 नहीं कहा। तो ये बातें जो आती हैं हमें अपनी सारी चलती हैं, तो वो एक टीम वर्क हमारा था, जो सीनियर पोजीशन पर हम जो क्लास थी उसमें लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। अब ये बंदा जो था ये एक ऐसी जगह बैठ गया जिसमें मेजर रोल इनके भाई डॉक्टर सरवर साहब का था, जो उन्होंने इसको कॉल किया, इंग्लैंड में मौजूद थे, एंड अगेन ही कन्वर्टेड हिज फूड टेक्नोलॉजी डिग्री बैक, उसमें कुछ केमिस्ट्री के कोर्सेज को ऐड किया, एंड फाइनली ही डिड हिज पीएचडी इन कंप्यूटर फोरेंसिक साइंस, तो वहाँ से इन्होंने कंप्लीशन करने के बाद। अब ये था कि ये इंडिया की तरफ जा रहे हैं, एंड मेरी कोशिश थी कि ये इंडिया ना जाए, ये पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करे, सम आपको क्लिक कर गया हो गया। फिर ये मिल गई लैंड मिल गई, तो उसमें आ जाता था कि जो इसको गाइड करना क्या करना है, वो मैं क्या मेरे ऑफिस में आ जाइएगा, और यहाँ पर बैठ के उनको कहा कि आप उनसे कॉन्टेक्ट करें इंटरनेशनल के साथ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हमने पुलिस की ट्रेनिंग भी वहाँ करवाई, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो हमारी हॉल था जिसमें हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज रखी हुई थी, एंड अदर ट्रेनिंग भी हमने इसमें इम्पार्ट की टू दैट वन। तो वो उसका कम अज़ कम कहता, मैं कहता था जो आना जाना तुम्हारा है ना उसको बंद करो, इतना ट्रेवल मत करो, तो यू बी देयर, जब काम पर निकलना है तो काम करो, इम्प्रूव करो। तो ये करते करते जो चला है आखिर में, कई शरारतें ऐसी हैं जो मैं नहीं चाहता कि मैं बयान करूँ, क्योंकि हंसी मजाक हमारे आपस में होते रहते हैं, दोस्तों के साथ होते रहते हैं, यादें रहती हैं हमारे साथ, और खासी चीज़ें हैं जो क्वाइट विटी पर्सन, बड़ा विटी है माशाल्लाह, हर चीज़ का जवाब फौरन ये दे देता था, और बड़ा हंसी मुख था उसमें शामिल होता था। और मैं समझता हूँ कि दिस नॉट ए लॉस एज ए फ्रेंड, दिस ए लॉस टू द नेशन, जो हमने इसको मिस किया है, और हमारा ख्याल था कि ये आएगा पाकिस्तान आएगा, तो वेट कर रहा था उसका, एंड ऑल द फ्लाइट्स जब भी ये निकलता था कहीं तो वो एड्रेस ऑल्टरनेट मेरा ही होता था, उसमें दिया होता था ही इज़ द वन जो मुझे संभाल सकता है। तो ये एक हमारी क्लोज एसोसिएशन थी, क्लोज जो कह सकते हैं फ्रेंडशिप, पुरानी फ्रेंडशिप थी। घर में यूएस में मैं रहा हूँ तो तीन, मैं एक रात के लिए गया था, उसने कहा नहीं कम से कम तीन दिन मेरे पास रहो, फिर लैब हमने विजिट की शिकागो की एट दैट टाइम। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं हमारे सामने आती हैं तो लगता है कि वो यूं अभी हमारे दरमियान में मौजूद है, क्योंकि हम फील करते हैं कि ही वाज सो क्लोज टू अस कि अभी वो इस दुनिया से नहीं गया, लेकिन दिल को तसल्ली है, उसकी यादें रहती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हमारे दरमियान मौजूद हैं पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अमजद साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज आए और अपने ख्याल के साथ। सलाम अलैकुम।
बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब के अफसोस के सिलसिले में, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आई नहीं थी कि ये ऐसे इकट्ठे होंगे डॉक्टर साहब के अफसोस के सिलसिले में, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह का हुक्म जो है वो होके रहता है, तो उस सिलसिले में जो है वो अल्लाह उनकी मफ़रत करे, अल्लाह उनको भी जो है वो जैसे कहते हैं ना कि हर बंदे का अल्लाह ताला ने टाइमिंग पॉइंट किया हुआ, तो उसका बेहतरीन कैसे कहते हैं समझ, उस वक्त जब मेरे वालद साहब की डेथ हुई तो मैं बहावल नगर जा रहा था, मुझे जब इतला मिली आज से 3 साल पहले, मेरे पास सेल फोन था तो मेरे अचानक जहन में आया कि मैं कैसे देखूँ उसे उनकी उम्र कितनी थी, तो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ उसमें डाली तो कैलकुलेट हुआ कि कितने महीने हैं कितने साल हैं, और ये तो इट डज एंड इट इज़ अ शॉकिंग टू सी द आंसर कि 2300 या 14-15 हज़ार महीने थे या दिन थे जितने भी बनते हैं, इट डज कम टू एन एंड, सो इट जस्ट कैन वन बाई वन इट डज कम टू एन एंड एंड वी जस्ट कैन कीप फॉरगेटिंग दैट, और अल्लाह ताला उनको अग्री के रहमत करे क्योंकि मेरी जो है वो ज़ाती हैसियत में और कैसे कहते हैं ऑफिशियल हैसियत में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और आई बिलीव इन कि अल्लाह ताला सब के लिए वसीले बनाते हैं, और मैं मेरा कैंप से CEMB से गहरा ताल्लुक़ है, सो एक मेरे वसीले इधर बैठे हैं डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब, मैंने CEMB में PhD एनरोल करवाई हुई थी, तो यहाँ से मुझे मौका मिला US जाने का, वापस आके US में 1993 में आई हैव सर्व्ड हियर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर तकरीबन 2-2.5 साल के लिए, 1.5 साल 2 साल के लिए, उसके बाद देन आई वेंट बैक टू US, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने मुझे ढूंढा, डॉक्टर अशरफ ताहिर ने, वो यहाँ पाकिस्तान आए थे मिलने अपने रिश्तेदारों से, तो यहाँ उनकी मेरे वालद साहब से मुलाकात हुई, जब मेरे वालद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि उनके बच्चों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो है वो PhD की हुई है और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर रहा है यूएस में, तो माई फादर टोल्ड मी के ही लिटरली जंप्ड आउट ऑफ हिज सीट, कहते हैं मुझे बताएं कहाँ मुझे कॉन्टैक्ट मुख्तलिफ हैसियत में आई एवन वेंट टू, क्योंकि हमारी सरकारी लैब थी तो इनकी लैब प्राइवेट लैब थी, तो हम जो है वो इनको केस वर्क भेजा करते थे क्योंकि हमारे पास ग्रांट मनी थी, तो उस रिक्वायरमेंट ये थी कि सरकारी लैब नीड टू विजिट दैट प्राइवेट लैब एंड ऑर्डर दैट लैब, तो बीइंग एन FBI क्वालिफाइड असेसर दैट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई नीड टू मेक श्योर कि जी केसेस जो हैं वो वहाँ पे सही तरह हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सो आई यूज टू गो विजिट देयर इन दैट कैपेसिटी, तो उसके बाद 2015 में जो है वो डॉक्टर साहब से मुलाकात लगे, डॉक्टर साहब ने जो है वो PFSA का जिक्र किया, तो फिर ही कन्विंस्ड मी टू मूव हियर, तो मेरी फैमिली अभी US में ही है, तो डॉक्टर साहब कह रहा था ही हैड ऑल्सो हिज फैमिली इन US, तो 2016 मार्च में मैंने यहाँ पे एज एडिशनल डायरेक्टर जो ज्वाइन किया, तो मेरा मेन टास्क उधर यही था कि यहाँ पे PFSA में कि डॉक्टर साहब ने लैब बना ली, डॉक्टर साहब कहते हैं जी आपने DNA लेबोरेटरी को ओवरहॉल करना है और सारे लैब्स की क्वालिटी एश्योरेंस के जो है ना वो मैटर्स हैंडल करके, तो लैब की क्राइटेशन करानी है इंटरनेशनल क्राइटेशन, सो उसके लिए ही प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, वी वेंट टू US UK रादर, वहाँ पे ट्रेनिंग की और वापस आके हमने वो सारे जो कुछ लर्न किया तो उसे अप्लाई किया, एंड नाउ वी हैव 6 डिपार्टमेंट्स PFSA के जो है वो ISO 17025 accredited hain, or I led the team with my team members Dr. Irfan Ashik aur dusre log jo hai wo usme we worked very hard to achieve that accreditation, aur alhamdulillah I would say ke jab we took over jab I joined here it was a kind of fragment kaise kehte hain if quality assurance system was in its infancy, now it's just kind of growing and fully grown system of quality assurance system, and alhamdulillah is a lot of involvement with Dr. Saab's under Dr. Saab's leadership, we made sure that the lab's name usme jo hai wo becomes achieves international recognition, so Dr. Saab worked very hard in that regard, he would go on TV, he would meet with other people, and he would whenever he visit US or
he made sure that this is idare ka naam jo hai wo this becomes everybody knows that. और मैं खुद भी यहाँ से ट्रैवल किया है, कैलिफोर्निया में जाके लैब के बारे में बात की है, लेक्चर वगैरह दिए हैं. सो इन शॉर्ट के डॉक्टर साहब जो है ही वाज अ ड्राइविंग फोर्स इन दिस रिगार्ड और वी विल ऑलवेज रिमेंबर हिज कंट्रीब्यूशंस और इंशाल्लाह वी विल स्ट्राइव हार्ड टू मेंटेन और इवन मेक इट equal to whatever he's at, guess the lab ka standard jo hai wo usi tarah rahe aur lab ke kisi bhi standard pe koi naam koi harf koi bura naam na aaye. So alhamdulillah ye hamari koshish hogi aur usse baki jo hai wo koi aur naye test jo hai wo on board la sakte hain wo milayenge inshaallah. For that I'll say thank you very much. To ye ek aisa topic hai jis pe baat karna bahut mushkil hai, khaas taur par jab bande ke kisi ke saath बहुत गहरे ताल्लुकात हों और उस बंदे की उस अदारे के साथ भी एफिलिएशन हों तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. लेकिन मैं समझता हूँ कि अशरफ साहब जो थे एक बहुत सच्चे और खरे इंसान थे, मुखलिस इंसान थे. मेरे साथ तो उनकी पहली मुलाकात 2003 में हुई जब डॉक्टर साहब रियाजुद्दीन साहब ने मेल किया, हमने एक वर्कशॉप यहाँ सेंटर में करवाई तो उसमें हाई ऑफिशल्स को हमने बनाए थे जिसमें मकसद ये था कि पाकिस्तान में फॉरेंसिक को एस्टेब्लिश करना है. उसके लिए पहले इंट्रोडक्शन चाहिए था, लोगों को पता होना चाहिए कि फॉरेंसिक साइंस है क्या. तो अशरफ साहब ने रियाजुद्दीन साहब ने मिलकर 2003 में एक वर्कशॉप अरेंज की जिसमें हमने हाई ऑफिशियल्स को बुलाया था जिसमें पुलिस वाले लोग थे, आर्मी के लोग थे, जुडिशरी के थे. तो वहाँ पर मेरी इनके साथ इंट्रोडक्शन हुई. तो उसके बाद फिर इनका रेगुलर ही इनका आना जाना रहा सेंटर में. तो फिर 2004 में एच ई सी ने स्कॉलरशिप अनाउंस किए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे हमारे एच ई सी स्कॉलरशिप के बेस पर दाखिल हुए. तो डॉक्टर साहब अशरफ साहब जो थे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के सुपरवाइज़र थे. तो उस दौरान मैं जो था स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर था तो इस लिंक के साथ मेरा उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहता था. तो वो जब भी रेगुलर वैसे पाकिस्तान आते रहते थे वो, लेकिन इसके बाद बावजूद वो टेलीफोन पर भी मुझसे रबते में रहते थे, स्टूडेंट्स के बारे में इनपुट लेते थे मुझसे, उनको गाइड करते थे, उनके बारे में प्रोग्रेस मुझसे पूछते थे. और जब उन्हें आना होता तो इतने वो डिवोटेड थे अपने काम में कि वो आने से पहले मुझे बताते थे कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ, फलां फलां स्टूडेंट के ये काम है, मुझे इसके बारे में रिपोर्ट बनाएं, मेरे अंदर का बहुत ध्यान रखें. तो इतनी इंटरेक्शन, गहरी वो दिलचस्पी लेते स्टूडेंट के मामला में. तो उसके बाद फिर काफ़ी मतलब काम आगे बढ़ता रहा. तो उसके बाद फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में वो चले गए, वहाँ पर भी हमारा आपस में काफ़ी लिंक रहा आने जाने का. तो अक्सर वो आते थे मेरे पास इधर सेंटर में भी और हमारे घर में भी हमारी मुलाकात होती थी, वहाँ भी मैं जाता होता था. तो एक उनकी बात थी, जब मैंने कहा सर मैंने आपसे मिलना है तो मैंने यार आ जाओ जब मर्जी आ जाओ. तो मैंने पूछा सर कि कब मैं हूँ. जब वो उनका एक बड़ा अच्छा था कि वो छुट्टी वाले थे, कहते यार घर आ जाओ. तो मैंने सर पूछा सर टाइम कितना, कहता सुबह 9 बजे आ, जो कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, छुट्टी का दिन होता है. कहता नहीं यार 9 बजे आए, हम नाश्ता भी करेंगे, कब से भी जाएंगे. तो अक्सर हमारी मुलाकात जो थी वीकेंड पे होती थी और मैं उनके पास जाता था घरों के, वहाँ पर दोपहर तक वहाँ रहते थे. तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत अच्छे इंसान थे. जब मैंने एक अच्छे साइंटिस्ट होते उनके साइंस एज साइंटिस्ट तो हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हैं बहुत सारे मतलब मीडिया से पता चला. लेकिन एज ए ह्यूमन बींग ही वाज वेरी, ये बहुत नरम दिल इंसान थे, बहुत रहम दिल इंसान थे और बहुत अल्लाह ताला ने उसको बहुत खुला दिल दिया हुआ था. कि मतलब मैं तो क्लोजली जानता हूँ उसे कि जुबान पे कभी हार्श लफ्ज़ उनके आ जाता है लेकिन दिल के बहुत सच्चे इंसान थे. ख़ास तौर पे जो कमज़ोर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको उसने बहुत उनको बहुत अकोमोडेट किया. उन्होंने अपने फॉरेंसिक एजेंसी में किया. इसके अलावा माली तौर पर भी वो लोगों की मदद करते थे, खुफिया तौर पर किसी को पता नहीं होता था. इसके साथ साथ उन्होंने अपने इलाके में गवर्नमेंट मोर्सी वो स्कूल है जहाँ पर उन्होंने मैट्रिक किया था, उस स्कूल को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है. तो बायोलॉजी ब्लॉक जो है वहाँ पर रेनोवेट ने अपनी जाती खर्चे से वो एस्टेब्लिश किया है और वहाँ पर वो उन्होंने सारे वेल इक्विप्ड किया है. तो उसमें वो कह रहे हैं कि मेरा इलाका है ये, तो यहाँ पर जो बच्चों को फैसिलिटी है वो एक हाई लेवल की होनी चाहिए. तो इसके साथ साथ वो उनमें और बहुत सी खूबियाँ थी कि वो अपने काम से मतलब यह है कि बड़े अवेयर रहते थे. और हाँ, उसके बाद 2003 के बाद हमारी इंटरेक्शन रही तो
यहाँ पर हमारा, मैं और शफीक साहब दोनों फ्रेंड्स के जो हमारे मेरे साथ काम करते हैं, अक्सर हम स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट जो थे हम उनसे डिस्कस करते होते थे कि हमारे किसी पीएचडी को प्रोजेक्ट देना है, फिर को देना था, हम डॉक्टर साहब के पास चले जाते थे कि सर हमें गाइड करें कि ये प्रोजेक्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमें उसका बताते थे और उसके उनकी गाइडेंस के मतलब बताए हुए तरीके के मुताबिक हम प्रोजेक्ट मुकम्मल करते थे। और उसके बाद फिर ये था कि अब पिछले 4-5 साल से मैं अपने ना एम फिल और पीएचडी के स्टूडेंट के थीसिसों को देता था एग्जामिनेशन के लिए, तो जो बात मैंने बतानी थी कि हालांकि इतने मसरूफ थे वो, लेकिन थीसिस को इतने अच्छे तरीके से पढ़ते थे कि उन्होंने डिफरेंट टैग लगाए होते थे थीसिस के अंदर, ये रेड टैग है, ये ग्रीन टैग है, उस पर मार किया होता था एक पेज पे, इस टैग के ऊपर ये गलती है, इस टैग वाला पेज बच्चा ये करे इस पे। मैं समझता हूँ ये उनकी कंट्रीब्यूशन है, उसकी डिवोशन है कि जो काम वो करते थे बड़े दिलगी से करते थे, तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी इतनी दी थी तो वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार के गए हैं। तो और एक पाकिस्तान में एक फॉरेंसिक को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। मैं समझता हूँ कि फॉरेंसिक जब पाकिस्तान जब तक रहेगा, सेंटर जब तक रहेगा, तो उनका नाम एक सैनिक रूप में लिखा जाएगा, उनको हम कहेंगे फाउंडर ऑफ द फॉरेंसिक साइंस इन पाकिस्तान। तो अल्लाह ताला आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनकी जो आखिरी जो है मंजर उनको आसान करे, और बाद में जो एक इतना अच्छा अदारा उन्होंने इस्टेब्लिश किया है तो अल्लाह ताला इस अदारे को नजर बाज से बचाए और जिस मकसद के लिए काम किया गया है वो मकसद पूरे करने की हम सब को, इसमें हम भी शामिल हैं, हमजा साहब की जिम्मेदारी आती है, लेकिन हम सब इनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। जहाँ कहीं ज़रूरत होगी हमारा अदारा या मुआज़ साहब माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं इस मसले में, तो हम सब लोग आपके साथ हैं। हम डॉक्टर साहब जिस लेवल पे लेके गए हैं हम उस पे कम से कम उस लेवल को मेंटेन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत एक हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ होगी। थैंक यू वेरी मच। वाइस चांसलर साहब, पास्ट एंड प्रेजेंट डायरेक्टर्स ऑफ द टू सेंटर्स, माय डियर कॉलीग्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। जिस मकसद के लिए हम जो है आज इकट्ठे हुए हैं वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे और अहम क्लियर कर दिया बच्ची ने, और उसके बाद प्रोफेसर साहब ने, रमजान ने, दोनों ने कि वो जो हिस्सा फॉरेंसिक एजेंसी के साथ या इससे बाहर था वो बता दिया। और मैनी ऑफ द थिंग दैट आई वांटेड टू से, मैंने अपने जहन में कुछ थॉट्स रखे तो मेरी बात अगर आज भी आप तो वो दो साइड विल सेट एंड दो साइड विल सेट बेटर देन आई वुड हैव सेड। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ रह गई हैं, मैं सिर्फ उनको एड्रेस करूँगा और उसमें कोशिश ये करूँगा कि बड़े फेयरली और इंसाफी के साथ तो जिन्होंने सपोर्ट किया अशरफ ताहिर साहब को उनको लीडरशिप दिया जाए, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे पहली बात जो मैं कही चाहता हूँ ख़ासतौर पर पीछे बच्चों को कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं ना, या बैकवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वहाँ से बड़े बड़े गौहर निकले हैं। ये अशरफ ताहिर के भाई तो छः सरवर साहब, वो भी बहुत वेल नोन साइंटिस्ट केमिस्ट थे, इनके पड़ोस में एक और घर था जिसमें एक और अशरफ रहते थे और उनका नाम मोहम्मद अशरफ था। और मेरी जो पहली मुलाकात अशरफ ताहिर से, ये उगी की बात कर जहाँ इनका गांव है, और ये गांव जो है ये एक छोटा सा इलाका है उसमें तो बट एक सी। अब मैं क्रेडिट भी देना चाहता हूँ कि जो जिसमें कैपेबिलिटी है और जिसमें अपना इनोवेशन है ना, वो उगी से या इस किस्म के बैकवर्ड एरिया से भी निकल के बाहर अमेरिका में जाके चला होता है। इसकी मैं इसके साथ और भी ऐड करूँ, सुहाम साहब जंग से थे, इससे और पीछे जाए रेगिस्तान में एक इलाका है जिस जहाँ से आपके बॉबिंग खुराना, लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बॉबिंग खुराना इज अनदर नोबेल लॉरिएट, एक फिजिक्स में है, एक बायोकेमिस्ट्री में। तो कभी ये ना समझिए कि जी ये दीदी खान से है या खान से है, इसमें कुछ नहीं होगा, जो गौहर होता है ना जिसे उसकी तलाश की ज़रूरत होती है। मेरी इनसे सबसे पहले मुलाकात जो हुई ना वो हुई यही जब मैं दूसरे दोस्त का है मोहम्मद अशरफ, मैं उनको मिलने वो सिंसिनेटी में प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, ठीक अब तो नहीं, अब तो कहीं और चले गए हैं।
तो मैं उनको मिलने गया, वहीं अशरफ ताहिर भी थे दोनों के साथ से। मैं उस जमाने में यहाँ डायरेक्टर था सीएम भी, तो हर पांचवें चौथे महीने प्रोजेक्ट हंट एंड फंड्स हंट के लिए एक चक्कर लगाया करता था इंटरनेशनल। तो जब मैं जाता था तो मेरी तलाश जो है वो ये होती थी कि यार कोई प्रोजेक्ट मिल जाए जिसके बसातत से मैं पाकिस्तान अपने लैब के लिए अपने फंड ले लिया। जब मैंने इन दोनों बंदों से बात की, अशरफ ताहिर और मोहम्मद अशरफ से, दोनों ने कहा यार आप हमारे साथ मिलकर तो प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। मोहम्मद अशरफ के साथ एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जो कि आज तक पाकिस्तान में दी ओनली लैब इन द फोर फ्रंट है, लेकिन बैक में तीन चार लैब्स और बन गई हैं, लेकिन वो तीन चार लैब जो हैं हमारे यहाँ से ट्रेन होकर जैसे एक चीज है वो है अपना स्टेम सेल थेरेपी। वो मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट लिखा और एक प्रोजेक्ट मैंने लिखा अशरफ ताहिर के साथ, यानी मैंने लिखा गया का मतलब मिल के लिखा ज़ाहिर उनके भाई से, वो था डीएनए जो टूरिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन। उन दिनों पाकिस्तान ने एचईसी के थ्रू यूएसएड के साथ एग्रीमेंट किया जिसे का नाम था यूएस पाकिस्तान प्रोग्राम इन साइंस। सबमिट किए चार प्रोजेक्ट पहले राउंड में सिलेक्ट हुए जिनमें दो हमारे दो ये तो अशरफ ताहिर साहब की जो पाकिस्तान में आना था और यहाँ से शुरू हुए वो इस प्रोजेक्ट के तहत था। इस प्रोजेक्ट में वो भी यही थे और यहाँ से हमने आगाज़ किया गया जी फॉरेंसिक लैब बनाई है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये काम पहले लैकेट जो है सेंचुरी का उसमें फॉरेंसिक केसेस यहाँ शुरू हुए जिसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा शफीक नहीं ज़ियाउर रहमान ने तो शुरू किया लेकिन केसेस जो थे ना वो मंजूर है बैठा है सर है तो मैं ब्रांड मंजूर के साथ जो तीन चार और थे बंदे और इन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया कि उस वक्त इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट केसेस जो थे अफकोर्स विद द एडवाइस ऑफ अशरफ ताहिर जिसमें मुझे केस कोयटे की वो लड़की का था रेप का था लॉस्ट बच्चों का था, यानी उस जमाने में इस लिमिटेड फैसिलिटीज़ में हमने 5-6 साल इंतहाई इम्पॉर्टेंट केसेस किए और इस मुल्क में ये इंट्रोड्यूस किया कि जी फॉरेंसिक डीएनए के थ्रू अपना क्राइम इन्वेस्टिगेशन डीएनए के थ्रू नहीं हो सकता। इससे पहले मैं जब पाक ये इन्होंने घुमन साहब का नाम लिया, घुमन साहब के जो आई जी थे ना मैं उनको मिलने के लिए गया कि जी हम यहाँ डीएनए का काम शुरू करने जाते हैं। मेरी बात सुन के ना कोई 5-10 मिनट की लेक्चर कहने लगे डॉक्टर साहब मेरे उनके हाथ में चढ़ी थी कहते हैं इन्हें मेरा मौला बख्श है ना जी कहते हैं ना ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि डीएनए ले आओगे। तो मैंने बड़े आहिस्ता से उनसे कहा मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है आज होगा लेकिन 5-10 साल के बाद हालात बदल जाएंगे दुनिया में जो है ह्यूमन डिग्निटी और इसकी बातें होंगी उस वक्त आपको कोई सस्पेंड नहीं करने देगा उस वक्त ये आप देखेंगे कि बहुत। तो बहरहाल आई एम ग्लैड कि जी ये आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों की मेहनत के साथ कामयाब शुरू हुआ और हमने बड़ी जल्दी जैसे अभी बता रहे थे कि जी हमने प्रोग्राम किया उसमें इनको ध्यान नहीं रहा उस वक्त के जो अपना थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो यहाँ आए उनकी बेटी का एक केस था। तो इस तरह और जब आप काम करते हैं मेहनत से और ईमानदारी से तो अल्लाह ताला हेल्प करता है। तो इससे ये हुआ जब आप चीफ जस्टिस के पास उनकी नज़रों में आ गया और आपके ऊपर हायर पुलिस ऑफिसर्स की नज़रों में आ गया तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता अपना शोहरत होने शुरू हो गई। इसकी शोहरत होने शुरू हो गई ए रिलायबिलिटी की बी एक्यूरेसी की और तीसरा जो इन्होंने यहाँ स्टैंडर्ड मेंटेन किए। तो ये तीनों के तीनों ने इसको काफ़ी नाम दिया और प्रोविंसेस में भी हमसे कहा कि आप हमारी हेल्प करें। अशरफ ताहिर साहब मुसलसल और बाकायदी से इसमें इन्वॉल्व थे तो साल में 2-3 दफ़ा चक्कर लगाते थे और यही जो प्रोजेक्ट फंडिंग थी जिसमें कि उनका भी प्रोजेक्ट फंड मिले हुए थे तो उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ आते थे। किसी ने कहा बड़ी मेहनत करते थे कई दफ़ा फ्लाइट जो है आपको पता है कि जो यूएसए से आते हैं रात में 1 बजे पहुँचती तो बाहर निकलते निकले घर आते थे 4 बज जाते थे। तो वो मेरे जो आपका ऑफिस है ना
उसके जो तो सोफा है ना उसी में सो जाता हूँ। यार मैं दो घंटे यहाँ आराम कर लेता हूँ फिर आपके साथ काम शुरू करता हूँ। तो मैं एक दफ़ा वो सोए हुए थे तो सेकेंडरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गए तो मैंने उनसे कहा यार उठो, तो कहेंगे यार बंदे सुनाता है। तो ओके तो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि कितने वो इसके साथ एक बात और ऐड करनी चाहता हूँ। अच्छा अशरफ मोहम्मद अशरफ का जो नाम लिया है तो वही बता दूँ कि मेरे हर प्रोजेक्ट में ना ये होता था कि ट्रेनिंग का कंपोनेंट होगा, क्योंकि हमारे पास इन न्यूअर एरियाज में जो अपकमिंग एरियाज हैं इनमें ट्रेन मैन पावर है ही नहीं। तो उस प्रोजेक्ट के तहत भी मैंने इधर नाम लिया कि ये लोग गए थे बाहर, चार का बैच था पहला, ठीक है ये चार का था ना, तो ये चारों की ट्रेनिंग हुई। फिर उसके बाद एक 30 का बैच अमजद है, 30 का बैच जो है वो आपके यहाँ से गया, तो वो ट्रेन हुए। तो यहाँ एक न्यूक्लियस अब माशाल्लाह आपके पास इतने लोग मौजूद हैं कि यही ट्रेनिंग हो सकती है। और यही मेरा मकसद होता था कि आप पहले एक कोर मैन पावर डेवलप कर लो, वो कोर मैन पावर फिर आगे से रिप्रोड्यूस होगी जनरेट। इसी तरह अशरफ मोहम्मद अशरफ के साथ गए थे, यहाँ पर अजरा है कि नहीं, अजरा वहाँ गई थी, उससे पहले सादिया थी, सादिया के साथ मोहसिन था, ये सारे ट्रेन हुए। और वो टेक्निक्स जो लोग सिर्फ किताबन पढ़ कर सुनते हैं यहाँ शुरू हो गए। और इस वक्त स्टेम सेल जो है वो थेरेपी पर्पजेज के लिए हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होगा और लोग अनलॉफुली, मैंने अनलॉफुली कहा इसलिए कभी अप्रूवल नहीं हुई, तो लेकर तो इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी चंद एक लफज अबाउट अशरफ ताहिर, जो मेरे एक्वेंटेंस के थे, ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, थॉरली डेडिकेटेड टू हिज प्रोफेशन। और बावजूद इसके कि यूएसए में रहते थे, अपना जो पेट्रियोटिज्म था कि नहीं ये मेरा मुल्क है मैंने इसके लिए कुछ करना है, तो ये लोग, ये अशरफ ताहिर और बहुत सारे लोग हैं जो इस तलाश में रहते हैं कि हम पाकिस्तान की किस तरह हेल्प करें। तो लेकिन उसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी जो है वो अल्लाह ताला प्रोवाइड करते हैं, वो हर एक को नहीं मिलती है। आप अशरफ ताहिर की एक खुशकिस्मती ये थी तो उन पर नज़र पड़ी शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ भी एक बड़ा गौहर शनास बंदा है, उसके दो बंदे जो है ना जी जो यहाँ ले गया है, मैं उनका जानते हैं, एक अशरफ ताहिर और एक वो जो लिवर ट्रांसप्लांट का है। और ये दो इंस्टीट्यूट को उसने बिल्कुल ऐसे सपोर्ट किया है कि यार मनी शुड बी नो कंस्ट्रेंट। पाकिस्तान में ये ऐसा ही इदारा बनाना और कहना कि जी मनी इज नो कंस्ट्रेंट, ये बीकर में नहीं, बीकर में मनी कंस्ट्रेंट होता है। लिटरली जिसे आप कहते हैं पॉट्स ऑफ मनी, नतीजा ये कि इस और बंदा हो जो इसे अकल से और समझ से इस्तेमाल करे, स्क्वेंडर ना करे। अशरफ ताहिर बड़ी ही समझदारी के साथ एक कार्डर ऑफ मैन पावर ट्रेन किया, लोगों को भेजा वहाँ, और स्पेसिफिक जिस तरह पाकिस्तान में बॉम्बे का नदी क्वेश्चन इस तरह किया था 60s और 70s में कि चोजन एरियाज में ट्रेन कराए। इसका मतलब ये था कि एंड प्रोडक्ट का दिन में था। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी 200 के करीब बंदे ट्रेन कराए, अनफॉर्चुनेटली वो इसलिए कि वो भी एंड नहीं था कि आगे क्या करेंगे। अटोमिक एनर्जी कमीशन में जो बंदे बाहर जाते थे पता होता था कि आगे क्या करेंगे। इसी तरह फॉरेंसिक एजेंसी में जो बंदे बाहर गए, एक जेन में विजन था, प्लान था। और ये बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलते हैं, वहाँ था अय्यूब उस्मानी, इशरत हुसैन उस्मानी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, कि उनका एक विजन था जिसके तहत कुछ 500 के करीब उन्होंने बंदे ट्रेन करिए एट नो कॉस्ट टू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सारे के सारे कोई कोलम्बो प्लान, कोई अपना सेंटर, उस वक्त सेंटर सीट होते थे उनके तहत, तो वो ICS भी थे, PhD भी थे, इसलिए उतने आर्ट। उसके बाद ये बंदा मैंने देखा है कि एक रीजन के साथ ट्रेनिंग करवाई है, ट्रेनिंग के बाद जो मैन पर वापस आई है उनको उन्हीं चोजन एरियाज में लगा दिया। नतीजा ये है आपकी, जैसे उन्होंने कहा कि आपकी ये लैब अब दुनिया में इस वक्त एक मुकाम रखती है, लोग इसको जानते हैं, लोग इसको पहचानते हैं, लोग इसको पहचानते हैं अशरफ ताहिर के नाम से भी, और लोग इसको पहचानते हैं जो काम वहाँ हो रहा है, जो क्वालिटी वहाँ मौजूद है। अशरफ ताहिर बेसिकली केमिस्ट तो नहीं था डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ में देखी ना वो एक केमिस्ट और फिजिस्ट की तरह। मैं
कई बातें और हैं, मैंने कहा जो मैं जाऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। वो पहला शख्स है जिससे मैंने ये सुना कि एक सेल में आप लैब से कितना डीएनए आइसोलेट कर सकते हो। आपको बेशुमार मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट से नजर आएंगे जिनको हाँ जी डीएनए आइसोलेट तो कर लेते हैं, लेकिन क्वांटिफिकेशन जो है ना, यदि एक सेल में से कितना निकलता है या एक्सपर्ट नहीं पता होता है। तो अशरफ साहब का नॉलेज जो था वो इतना डीप था, इतनी डेप्थ में जाते थे कि आपको इतनी छोटी ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने देखना है कि आपके पास जो क्राइम साइट से सैंपल मिला है उसकी मिकदार कितनी है, क्या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और उसके मैं तो वहाँ नहीं गया, लेकिन सुना है कि वो कहते हैं कि आप यहाँ जो आपके सामने चाय या पानी रखते हैं, पानी का गिलास पी के छोड़ जाओ, हम आपको बता देंगे गिलास किस किसने पिया। ये है लेवल ऑफ सेंसिटिविटी। टेक्निक तो कई कर लेंगे लोग, लेकिन इस सेंसिटिविटी पे जाना जो है ना, ये है महारत। और इसी इस महारत की वजह से अशरफ ताहिर है नाम एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इन पाकिस्तान। छोटी सी बात मैं दरमियाने छोड़ गया, यूएसए और पाकिस्तान की बात हुई, लेकिन अशरफ का बाहर भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो दुबई में फोरेंसिक लैब है वो सारी की सारी मेजर पार्ट में इसमें इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, सऊदी अरेबिया में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुवैत में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो माशाल्लाह इन अदर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें भी इनका इसी तरह नाम दिया जाता है जिस तरह हम इनका पाकिस्तान में देखते हैं। ये अल्लाह ताला का एक देन होती है, अल्लाह ताला इनको ये इज्जत दी, और ये उस इज्जत की वजह से हम सब आप यहाँ इकट्ठे हैं और उनके लिए दुआएं मकबूल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नती फिरदौस में रखे। आपकी बहुत मेहरबानी मुआज साहब और आपकी टीम के इस मौके पर आपने मुझे भी याद रखा और यहाँ पे इनवाइट किया। डॉक्टर अशरफ ताहिर साहब, मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात थी। मैं अपना थोड़ा सा बता दूँ कि मैं बिल्कुल मैंने बायो साइंसेस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आखिरी दफ़ा जब बायो पढ़ी थी तो मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, उसके बाद फिर मैंने बायो छोड़ दी थी। तो डॉक्टर साहब के साथ एक महफिल में मुलाकात हो गई, हम किसी और मकसद के लिए वहाँ जमा हुए थे, और जब तारुफ हुआ तो डॉक्टर साहब का तारुफ भी हुआ और इनसे वाकफियत हुई। उसके बाद दो दफ़ा वो मेरे ऑफिस में तशरीफ लाए तो वहाँ भी उनके साथ डिस्कशन रही। तो डॉक्टर साहब का जो पहला इम्प्रेशन होता है ना जब आप उनसे मिलते हैं, तो माशाल्लाह कद में तो वो लंबे थे ही, लेकिन उनका बातचीत करने का अंदाज बड़ा दबंग किस्म का, मतलब आपका मिलने के बाद ये एहसास होता है कि बड़ा ये अपने खुला डुला जट किस्म का बंदा है। तो इस किस्म की डॉक्टर साहब के साथ जो है ना वो होती थी। अब हम जैसे लोग जो सोशल साइंसेज में अपना कैरियर बना के बैठे हुए हैं, तो हमारा ये जो इनकी साइंस है फोरेंसिक साइंस, इसके बारे में फकत इतना ही नॉलेज था जितना सोनी टीवी में सीआईडी देखने वालों का होता है। वो डॉक्टर तारिका और उनके साथ एक और थे, उनका क्या नाम था, क्या नाम है उनका, जी सालुखे। तो उसको देख देख के अंदाजा होता था कि फोरेंसिक लैब में क्या होता है। तो डॉक्टर साहब से मेरी ये उनसे जब मुलाकात हुई, खासतौर पर पहली मुलाकात, तो मुझे याद है कि मैंने बिल्कुल एक तालिबे इल्म बन के तो डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल पूछे, और डॉक्टर साहब ने भी देखा कि ये सवाल पूछता है तो डॉक्टर साहब ने खुल के पूरा टाइम भी दिया और हर बात जो है वो एक्सप्लेन भी की, और बड़ा अच्छा उनके साथ एक लाइजॉन जो है ना वो बन गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी यूनिक सी साइंस और एक मुश्किल सी साइंस तो डॉक्टर साहब ने अपना कैरियर उसमें बनाया और उसमें काम किया। तो डॉक्टर साहब जो है वो अपनी लैब का भी बड़ा अच्छा तारुफ कराते थे, बल्कि डॉक्टर साहब के अल्फाज मुझे याद है, कहते थे कि तुसी एक बारी उसे आओ तो सही, टाइम कटो तो लैब का विजिट कराइए, तो तुसी देखो तुसी अमरीका नु भूल जाओगे। हमने यहाँ पे इंश्योर किया है कि जो सर्विसेज अमरीका में दी जा रही है, जो क्वालिटी वहां की है, वो हम इस लैब में लेके आए। तो मैं तो ये समझता था कि डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर साहब ने जो है वो एक बड़ा काम किया है इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए खासतौर पर, तो हमें जो है वो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। ये मेरे इल्म में था, डॉक्टर साहब ने बताया था कि मैं अमेरिका में भी लैब्स के साथ जो है वो मुंसलिक हूँ, और मुझे कभी वहां जाना होता है कभी यहाँ आना होता है, और मैं इस तरह से अपना काम चला रहा हूँ। तो हमें ये महसूस होता था डॉक्टर साहब से मिलके कि डॉक्टर साहब देखें उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क को छोड़ के चले गए और कभी उन्होंने मुल्क देखा भी नहीं है,
तो डॉक्टर साहब जैसे लोग जो है ना, उन्होंने मेरे जैसे लोगों का जहन चेंज किया कि मैं अपने पूरे कैरियर में ये समझता रहा कि ये जो ब्रेन ड्रेन होती है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज होती है, बड़ी बुरी चीज होती है, और हमेशा ब्रेन ड्रेन के खिलाफ ही बोलते रहे। अब पिछले कुछ सालों से डॉक्टर साहब जैसे लोगों को देख के ये अंदाजा हुआ है कि भी हमारे लोगों को बाहर जाना चाहिए, ये ग्लोबल मार्केट है, वो जहां कहीं भी जाएं बस इस बात का ख्याल रखें कि पाकिस्तान को भी आगे लेके जाना है, पाकिस्तान के नौजवानों को भी ट्रेन करना है, और पाकिस्तान चाहे वो ज़र मुबादला की शक्ल में हो, चाहे वो अपने नॉलेज की एक्सचेंज की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, तो वो इस काम को डॉक्टर साहब आप सब इस बात के गवाह हैं कि बखूबी अंजाम देते थे कि वहां रह के यहां की मुश्किलात को हल करने के लिए, आसान करने के लिए उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। इस मौके पर चूंकि तजियत का मौका है ना, तो हम लोग तालिबे इल्म हैं, तो सीखने की भी कुछ बातें हमारे जहन में आती हैं। जैसे मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि इस किस्म का जो मौका होता है उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, तो मेरे जहन में दो पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट तो ये है कि मौत का वक्त मुकर्रर जरूर है लेकिन मालूम नहीं है किसी को। अब तो हमने सोशल मीडिया के जरिए से हर तरह की वीडियोस देखी है ना, कि स्टेज पे तकरीर कर रहा, एक्टिंग कर रहा, ऑडियंस में बैठा हुआ, सोए हुओं को तो हम अक्सर देखते ही हैं कि उठते ही नहीं है सुबह। यानी किसी भी हालत में, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे किसी की भी मौत आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी तैयारी हर वक्त ये एहसास कि भाई किसी वक्त भी मेरा जो है वो वक्त पूरा हो सकता है, मेरी सांसें पूरी हो सकती हैं। और दूसरा जो लेसन है वो ये है कि जब इस तरह की कोई भी शख्सियत इस दुनिया से चली जाती है तो हम उसके बारे में किस तरह की बातें शेयर करना पसंद करते हैं। अच्छी बातें, उनके कारनामे, उनकी अचीवमेंट्स, उनका किरदार, उनका बिहेवियर जो है उसे हम शेयर करते हैं, और उसमें से भी अच्छी अच्छी बातें चुनते हैं। उस शख्सियत की जो कमजोरियां होती हैं उससे हम सरफे नजर करते हैं। तो मेरे जहन में यहां यह सवाल आता है कि क्या इस काम के लिए किसी इंसान का मरना जरूरी है? यानी क्या ये अच्छा हो कि हम एक दूसरे की खूबियां हाईलाइट करें और वो शेयर किया करें? इस मामले में मुझे अपने दोस्त अहबाब में जहां कहीं मैं उठता बैठता हूं या समाजी महफिलों में खासी मायूसी होती है। यानी कई दफा मैंने नोट किया है कि एक साहब ने बात की, मतलब मिसाल के तौर पर किसी ने बात की कि डॉक्टर शेख साहब का बड़ा रोल है जी, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी, तो सात दूसरे दस बंदे शुरू हो जाएंगे, तुहानू नहीं जी पता, तुहानू पता ही नहीं डॉक्टर साहब असल जी की सन, और ऐसी ऐसी खराबियां, ऐसी ऐसी खामियां पता नहीं डॉक्टर साहब में है भी कि नहीं है, वो बयान करेंगे, आउट ऑफ जेलसी करेंगे, या और उसकी वजूहत हो सकती है, पता नहीं डॉक्टर साहब ने वाकई नुकसान किया होगा बहुत सारे लोगों को, या दुश्मनी निभाई होगी डॉक्टर साहब ने, या किसी और की मिसाल ले लें, किसी की मिसाल ले लें, लोग शुरू हो जाते। तो मुझे ज़ाती तौर पर इसका बड़ा दुख होता है कि काश हम अपने सब दोस्तों की, अपने सब मिलने वालों की खूबियां जमा करें, उनके अंदर जो खूबी है उसका पैगाम दूसरों को बताएं, तो इससे शायद ये मोटिवेशन हो कि जिसके अंदर जो खूबी है दूसरे भी उसे अपनाएं। तो मरने वाला तो चला गया, लेकिन जो जिंदा है वो अपनी खूबियां जमा करें और माशरे को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करें, और जो खामियां हैं जिंदा लोगों की उनसे भी सरफे नजर करें, उसी तरह जैसे मरने वाले की हम करते हैं, सरफे नजर करें और खूबियों का एक माशरा जो है वो हम तश्कील दें। तो बाकी डॉक्टर साहब का तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, आप इस फील्ड के हैं, आप मेरे से ज्यादा कहीं जानते हैं, आप लोगों का वक्त उनके साथ ज्यादा गुजरा है, लेकिन मुझे बतौर पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छे लगे डॉक्टर साहब। तो अल्लाह ताला उनकी खूबियां जो है वो कबूल फरमाए, उनकी खामियों को माफ फरमाए, उनके जो लवाहकीन है उनको सब्र जमील दे, क्योंकि मरने के बाद जो चीज पहुंचती है या तो उसकी नेकियां वो उसको पहुंचती रहती है, सदका जारिया जिसे हम कहते हैं, या फिर दूसरों की दुआ पहुंचती है। तो हम सब उनके लिए दुआ करें, अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। उसका लड़की थी और डॉक्टर शेख रियाज साहब भी मेरे मुक्तदी रहे हैं इस्लामिक सेंटर में, वही मुझे जानते हैं, मैं पुराना हूँ
आपकी यूनिवर्सिटी का खादिम इस्तेमाल पढ़ाता हूँ, यहाँ जुमे के लिए आता हूँ, वैसे भी इस्तेमाल कर लेता रहता हूँ। डॉक्टर अशर साहब की जिन तारीफ सुनी तो हुक्म भी यही है खैर उन्नास मैं उन्नास कि जो आदमी लोगों की नफर सानी के लिए काम करता है वो सबसे उमदा और आला काम होता है। मरने के बाद जैसे बीस साल फरमा दिया कि उसको खैर में याद करना ही है। जिंदगी में हम देखें, हमें ज़िंदगी में जैसे गीबत की इजाज़त नहीं है तो उसके सामने फलाने जिस मुँह पर बात कह दी इसकी भी इजाज़त नहीं है। किसी को शर्मिंदा करना सामने बिठा कर इसकी शरण इजाज़त नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए अब मौका नहीं है, वरना हमारा तो काम इस फ्रेंड का है। हम तो बादशाह का देख टाइम निकल जाएगा, नमाज का टाइम थोड़ा रह गया, तो दुआ करें अल्लाह ताला सब जिला जीते ना की और पूरी उम्मत के मुसलमानों की मर्द जन की सबकी मत फरमा, सबके दर्जा को मत फरमा, अपनी आखिरत की मदद को आसान फरमा, हम सबको हिदायत आफियत और खाब ईमान को बहुत नसीब फरमा। अपनी दुआ में अल्लाह पूरी उम्मत को याद रखने की और फलस्तीन के मुसलमान और बहनें और भाइयों की और उनके बच्चों की सबको अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि जो हम काम कर सकते हैं दुआ का ये हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा और तमाम जगहों पर मुसलमान को कामयाब काम करने से नवाज़े और हमारी दुआओं का मतलब से कबूल फरमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की कुल दुआ के साथ आमीन अल्लाह इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शुक्रिया। मौजूद सामान ग्रामीण से दरख्वास्त करूँगी कि सामने कमेटी रुक गई।